Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss another important naming reaction, which is Hofmann-Bromo-amide reaction. This reaction is also known as Hofmann degradation of amides. So let's start. Kya hota hai is reaction mein? The conversion of a primary amide to a primary amines. Mean primary amide ko hum convert karte hain kisme? Primary amine mein. किसकी हेल्प से? जब हम किसी भी प्राइमरी एमाइड की को हीट अप करते हैं ब्रोमीन और NaOH या KOH दोनों में से किसी एक के साथ, तो जो आपका प्राइमरी एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमीन में. इस रिएक्शन में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके ओरिजिनल एमाइड में प्रेजेंट होते हैं उससे एक नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका प्राइमरी अमीन जो बनकर आता है उसमें एक नंबर कार्बन एटम कम होता है. मीन्स ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है स्टेप डाउन कन्वर्जन का. ऐसी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते चले जाते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं. ओके तो यहाँ पर क्या है? द कन्वर्जन ऑफ ए प्राइमरी एमाइड टू ए प्राइमरी अमीन कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल एमाइड ऑन हीटिंग विद ए मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड KOH इज कॉल्ड होपमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड. डिग्रेडेशन मीन्स क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते चले जा रहे हैं तो इसको हम होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड भी बोलेंगे. और ये किसका एग्जाम्पल है? स्टेप डाउन कन्वर्जन का एग्जाम्पल है. अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने हैं होमोलोगस सीरीज में तो आप किस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं? अगर वो एमाइड की फॉर्म में है तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे? होपमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन. ओके स्टूडेंट तो देखते हैं इनकी रिएक्शन. यहाँ पर हमने एक एमाइड लिया एसिटामाइड. एमाइड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है. आप ये ध्यान रखेंगे जैसे एसिड क्लोराइड में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी रोजेनमोन रिएक्शन में वो क्या होते हैं COCl. ऐसे यहाँ पर एमाइड होते हैं CONH2. जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स ब्रोमीन और NaOH या KOH में से किसी एक सॉल्यूशन के साथ तो हीट अप करते हैं तो जो आपका एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीन में. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और यहाँ पर जो अमीन बन के आया उसमें 1 है. सिमिलरली बेंजामाइड लेंगे तो यहाँ पर 6 एंड 1 7 और यहाँ पर केवल 6 है. मीन्स एक नंबर कार्बन एटम आपका क्या होता चलाया जा रहा है? कम होता चला जा रहा है. इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? स्टेप डाउन कन्वर्जन बोला है. बाकी आपके ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं. यहाँ पर आपने 4Na इसीलिए लिए 4K इसीलिए लिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आपका कार्बोनेट कंपाउंड Na2CO3 और K2CO3 बनेगा और जो आपकी ब्रोमीन गैस प्रेजेंट है वो सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेती है. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? होपमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी. ओके होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू.